हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम बीहाइव के चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर, जो वैकम महमूद बशीर के द्वारा लिखा गया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। यह लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है। इस लेसन में एक होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, एक सांप है और एक मिरर है, जिसके बारे में बताया गया है। इसमें लेखक अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और वह उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कभी एक फुल ब्लडेड कोबरा क्वाइल करके किसी के ऊपर बैठा है। क्वाइल करना मिस होता है कुंडली मारकर बैठना, यानी कुंडली मारकर यानी कि किसी वस्तु को अपने शरीर से लपेट कर बैठना, यानी किसी के ऊपर कुंडली मारकर बैठा है। तो उनके अन्य दोस्तों ने कहते हैं कि नहीं, लेकिन लेखक अपने बचपन के बारे में जो घटित कहानी है उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। आइए हम इस लेसन से हम पता करें कि कैसे यह घटना उनके साथ घटित हुई। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। स्नेक मिस होता है सांप, राउंड मिस होता है गोल गोल घूमना, और कॉइल्ड मिस होता है कुंडली मारकर बैठना। यहाँ लेखक कह रहा है हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या किसी सांप ने कभी आपके शरीर के किसी अंग के चारों ओर कुंडली मारी है। ऑफुली अ फुल ब्लडेड कोबरा, यानी फुल ब्लडेड यानी कि बहुत बड़ा फन वाला, यानी अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक बहुत बड़ा फन वाला सांप या नाग ने। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, सभी लोग शांत हो गए, सभी लोग यह सुनकर शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यानी यह प्रश्न होम्योपैथ के चिकित्सक के द्वारा से की गई थी, यानी यह प्रश्न होम्योपैथ के चिकित्सक के द्वारा पूछी गई थी। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, यानी यह विषय तब उठा, यह मुद्दा तब उठा जब हम लोग सांपों पर विचार विमर्श कर रहे थे। वी लिसेंड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, जब चिकित्सक ने अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ किया विथ हर टेल, तब हमने उसे ध्यान से सुना, यानी जब उस होम्योपैथ के डॉक्टर ने यह कहानी सुनाना प्रारंभ किया तो तब हम लोगों ने उसे ध्यान से सुना। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, समर मिस होता है गर्मी की ऋतु। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यानी ग्रीष्म की गर्म ऋतु थी, ग्रीष्म की गर्म ऋतु थी। अबाउट 10 o'clock, 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू द रूम, और मैंने रेस्टोरेंट से खाना खाया और अपने घर की ओर लौट गया, यानी रेस्टोरेंट से खाना खाकर हम अपने घर की ओर लौट गए। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, दिया ना, आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम एबव,
तो मुझे ऊपर से आवाज़ सुनाई दी एज आई ओपन्ड द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, यानी लेखक ने जैसे दरवाज़ा खोला उसे आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, फैमिलियर में सोता परिचित होना, या लिखे करा द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, यानी वह आवाज़ उसकी जानी पहचानी थी, उससे परिचित थी। वन कुड सी डेड द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कोई भी कह सकता था, वन कुड से यानी कोई भी कह सकता था डेट की द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, यानी उस कमरे यानी उस घर के साझेदारी के रूप में चूहे और मैं था। लेखक कह रहा है कि उस घर में मेरा और मेरे चूहे का साझेदारी था। आई टुक आउट माई बुक ऑफ मैथ्स एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, है ना, आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, यानी मैंने माचिस निकाली, माचिस की तीली निकाली एंड लाइटेड और जलाया द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और मिट्टी के तेल के दीपक को जलाया। लेखक कह रहा है कि मैंने अपनी माचिस निकाली और मेज पर रखे मिट्टी के तेल के दीपक को जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, उस मकान में बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, यह छोटा किराए का घर था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मर्ज, मर्ज मिस होता है बहुत कम। मैंने चिकित्सक के रूप में काम करना अभी अभी शुरू किया था। एंड माई अर्निंग वर मर्ज, मर्ज मिस होता है बहुत कम, और उनकी कमाई बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस में करीब 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, कुछ कमीजें और धोतियों के साथ साथ। आई आल्सो पोसेस एंड सोलिटरी ब्लैक कोट विथ आई वॉज देन वेयरिंग, और मेरे पास एक सबसे एकमात्र काला कोट भी था जिसे मैं तब पहने हुआ था, जिसे तब मैं पहने हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, टुक ऑफ मिस होता है निकालना। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट निकाल दिया। वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट निकाल दिया। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड ह्यूज एंड हंग देम अप, और इतना भी सफ़ेद नहीं बनियान थी उसे भी उतार कर टांग दिया। यानी यहाँ लेखक कह रहा, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, कि मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज और इतनी भी सफ़ेद गंदी नहीं गंदी बनियान उतारी और उसे टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम्स, मैंने कमरे के दोनों खिड़कियों को खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यार्ड मिस होता है आंगन, दिया ना। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यानी यह आंगन की ओर खुलने वाला एक दीवार वाला बाहरी कमरा था। इट हैड अ टाइड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स डैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, यानी दिया इट हैड अ टाइल्ड रूफ, मिस होता है खपड़ैल की छत, विथ ए लॉन्ग सपोर्टेड गेबल डैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और
इनकी खपड़ैले वाली छत लंबी सहतीरों के सहारे टिकी हुई थी। देयर वाज नो सीलिंग, कोई छत नहीं थे। देयर वाज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रॉम द बीम, उस सहतीर से सहारे चूहों की नियमित भाग दौड़ रहती थी, यानी उस सहतीर के सहारे चूहे हमेशा दौड़ा करते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसे दीवार के पास खींच लिया। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा, मैं खड़ा हुआ और बरामदे की ओर चला गया, फॉर अ लिटिल एयर, कुछ हवा के लिए। हम थोड़ी हवा के लिए उठे और बरामदे में चले गए। बट द विंड वॉज सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ, जैसे पवन देव ने अवकाश ले लिया हो, या जैसे पवन देव ने बहना बंद कर दिया हो। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं पुनः कमरे में चला गया एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स, मैंने बॉक्स को खोला बीनीथ द टेबल, जो कुर्सी के नीचे रखा गया था, यानी दिया है। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैंने उस कुर्सी के नीचे रखे गए बक्से को खोला। एंड टुक आउट अ बुक, और एक किताब निकाली। द मेडिका, मेटिरा मेडिका, और मैंने मेटिरा मेडिका नामक पुस्तक निकाली। आई ओपेंड इट, मैं उसे खोला। इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, और मैं जिस पर एक दीपक और एक बड़ा दर्पण रखा था, दिया ना, और लार्ज मिरर, बड़ा दर्पण, केवल लेखक कह रहा है। आई ओपेंड इट, मैंने इसे खोला। एट द टेबल, उस मेज पर, मैंने उस मेज पर उस किताब को खोली। ऑन विच, यानी जिस पर स्टूड द लैम्प, जिस पर एक लैम्प रखा था, एंड अ लार्ज मिरर, एक बड़ा सा शीशा रखा था। अ स्मॉल कम्ब ले बिसाइड्स द मिरर, और उस दर्पण के पास या उस दर्पण के बगल में एक छोटा सा कंघा रखा था। उस दर्पण के बगल में एक छोटा सा कंघा रखा था। वन फील्स टेम्पेड टू लुक इन टू द मिरर वेन इट इज नियर वन, लेखक कहता है। टेम्पेड में होता है ललचाना या मन करना। लेखक कह रहा है वन फील्स टेम्पेड टू लुक इन टू अ मिरर वेन इट इज नियर वन, यदि किसी के पास दर्पण हो या शीशा हो, तो किसी का भी मन दर्पण में देखने का मन करने लगता है या जी ललचाने लगता है। आई टुक अ लुक, मैंने उस पर एक दृष्टि डाली या एक बार देखा। इन दोज डेज, यानी उन समय में, या उन समय में, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, और मैं उस समय सौंदर्य का बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और उस समय मैं सुंदर दिखने का अधिक प्रयास करता था, और लेखक यह चाहता था कि मैं स्वयं को सुंदर दिखूं, ऐसा बनाने में विश्वास रखता था। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक था। लेखक कह रहा, मैं उस समय अविवाहित भी था और एक मैं चिकित्सक भी था। आई फेल्ट, मैं महसूस करता था।
आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करानी है। मैं महसूस हुआ दिया ना, आई फेल्ट, मैं महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट कि मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करानी है या अपनी उपस्थिति बतानी है। आई पिक्ड अप द कॉम, मैं कंघे को ले लिया, पिक्ड अप मीन्स उठाना, यानी मैंने कंघे को ले लिया। एंड रैन टू थ्रो माई हेयर, और उस कंघे को अपने बालों में फिराया। एंड एडजस्टिंग द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, और अपने बालों को सवारा, अपने बालों को कंघे किया ताकि वह सीधी तथा सुथरी लगे, या सीधी या सुथरी दिखाई देने लगे। अगेन यानी पुनः, आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, और मैंने वह आवाज़ पुनः ऊपर से सुनी, यानी लेखक ने वह आवाज़ पुनः ऊपर से सुनी। आई टुक अ क्लोज टुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने दर्पण में अपने चेहरे पर एक निकट दृष्टि डाली। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली, कि मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊंगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टाच, और पतली मूछें रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, अधिक सुंदर दिखने के लिए, यानी लेखक ने निर्णय किया कि मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊंगा और पतली मूछें रखूंगा जिससे मैं सुंदर दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, आखिरकार मैं कुंवारा और मैं एक चिकित्सक भी था, दिया ना। आई वॉज, मैं था, आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, मैं एक कुंवारा और एक चिकित्सक भी था। आई लुकड इन टू द मिरर, मिरर यानी कि दर्पण, और लुकड मीन्स देखा, यानी कि लेखक कह रहा है आई लुकड इन टू द मिरर, मैंने दर्पण में देखा एंड स्माइल, और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, यह एक आकर्षक मुस्कान थी, यह एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, दिया ना, आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और आश्चर्यजनक निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और मैं अपने चेहरे पर आकर्षक मुस्कान, टू लुक मोर हैंडसम, अधिक सुंदर दिखने के लिए किया। यानी लेखक ने यह विचार किया कि वो अपने आप को अधिक सुंदर दिखने के लिए वह सब अपने चेहरे पर सबसे अधिक मुस्कान रखेगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक कुंवारा था, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और अधिक एक चिकित्सक भी था। लेखक कह रहा है कि मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक कुंवारा भी था, दिया ना। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, यानी मैं आखिरकार एक कुंवारा था, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे भी अधिक कि मैं एक चिकित्सक था। आई गॉट अप, मैं खड़ा हो गया या मैं उठ गया। लिट अ बीड़ी, और मैंने बीड़ी सुलगाई। पिप्ड अप एंड डाउन द रूम, और कमरे में इधर से उधर टहलता रहा। लेखक कह रहा है आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ। पिक्ड अप एंड डाउन द रूम, और मैं देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और तब मेरे मन में एक सुंदर विचार आया। आई वुड मैरी,
मैं विवाह करूंगा। यानी लेखक के मन में विचार आया कि मैं विवाह करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। लेखक कह रहा है कि मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करूंगा जिसके पास ढेरों धन हो या बहुत अधिक धन हो, संपत्ति हो, और उसके साथ साथ वह एक चिकित्सक भी हो। दिया ना, प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसके पास एक चिकित्सक व्यवहार का सबसे अच्छा अनुभव हो। शी हैड टू बी फैट, वह मोटी होनी चाहिए, वह मोटी होनी चाहिए फॉर ए वैलिड रीजन, यह एक कारण है या एक तर्कसंगत कारण है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि कोई मैं मूर्खतापूर्ण कार्य करता हूँ, यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता हूँ, आई नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की आवश्यकता पड़े या मुझे भागना पड़े, सी वुड नॉट बी एबल टू रन, वह दौड़ने में समर्थ न हो, या वो हमारे रन आफ्टर मी, यानी वो हमारे पीछे न दौड़ सके, आफ्टर मी एंड कैच मी, और मुझे पकड़ न सके। लेखक एक मोटी लड़की से इसलिए शादी करना चाहता है कि यदि वो कोई भी कोई गलत काम हो जाए तो वह उसके पीछे भाग ना सके और उसका पीछा कर ना सके और उसे पकड़ ना सके। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. दिया ना कि लेखक कह रहा with such thought in my mind, अपने मन में ऐसे विचार लेकर, यानी लेखक अपने मन में ऐसे विचार लेकर, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और मैं मेज के सामने रखी हुई कुर्सी पर पुनः बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली एकाएक दे केम ए डल थड एज इफ अ रबर टब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, यानी अचानक एक धम्म की आवाज आई मानो कि धरती पर कोई रबड़ की ट्यूब गिर पड़ी हो। यानी तभी एकाएक धम्म की आवाज आई, लेखक को लगा कि मानो कि धरती पर कोई रबड़ गिर गई हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से चिंता की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न राउंड एंड टेक अ लुक, और इस पर भी मैंने सोचा कि मैं घूमूं और देखूं। लेखक ने इस पे सोचा कि मैं घूमूं और देखूं। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर अ बैक ऑफ अ चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और जैसे ही एक सांप कुर्सी की पीठ पर छटपटाया और मेरे कंधे पर आकर गिर गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमुलेशनस, सांप का मुझ पर गिरना और मेरा पलटना दोनों एक साथ घटित हुआ। लेखक कह रहा कि सांप का गिरना और मुझे मेरा पलटना दोनों एक साथ घटित हुआ। आई डिडंट जम्प, मैं उछला नहीं या मैं कूदा नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं। लेखक कह रहा है कि सांप को मेरे कंधे पर गिरने के बाद मैं कूदा नहीं,
मैं डरा नहीं या मैं हिला नहीं या मैं चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा कुछ करने के लिए समय ही नहीं था। लेखक कह रहा है ऐसा कुछ करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड अलोन माय शोल्जर, और सांप मेरे कंधे पर फिसला, सांप मेरे कंधे पर फिसला, एंड कॉइल अराउंड माय लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और कोहनी के ऊपर मेरी बाईं हाथ पर लिपट गया। वह सांप मेरे कोहनी के ऊपर मेरी बाईं हाथ पर लिपट गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसका फन फैला हुआ था। हुड मींस होता है फन। द हुड वॉज स्प्रेड, उसका फन फैला हुआ था, एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 feet 4 inch की दूरी पर था। लेखक कह रहा है कि उसका सर हमारे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 inch की दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेड दे आर होल्डिंग माई ब्रीथ, दिया ना, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, केवल यह कहना सही नहीं होगा, केवल यह कहना सही नहीं होगा मेयरली दैट आई सेड दे आर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैं अपनी सांस रोके बैठा रहा, कि मैं अपनी सांस रोके बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर बन गया, दिया ना, आई वॉज टर्न, मैं बदल गया टू स्टोन पत्थर में, या मैं पत्थर हो गया। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा मस्तिष्क बड़ा सक्रिय था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, दरवाज़ा अंधकार में खुलता था, दरवाज़ा अंधकार में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और वह कमरा अंधकार से घिरा था, वह कमरा अंधकार से घिरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, यानी दीपक के प्रकाश में, आई शेड देयर, मैं वहाँ, दिया ना, आई शेड देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मैं मांस की पत्थर की मूर्ति के जैसा बन गया था। यानी यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं पत्थर की मूर्ति के जैसा बैठा था। आई फील्ड देन, मैंने तब महसूस किया, द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, कि मैंने तब इस संसार एवं इस ब्रह्मांड के निर्माता की महान उपस्थिति को महसूस किया। गॉड वॉज देयर, ईश्वर था, यानी ईश्वर वहाँ था। सपोज, सोचो, आई सेड समथिंग, कि मैं कुछ कह रहा था, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे अच्छा ना लगा। लेकिन कह रहा है सपोज, मानो या सोचो, आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, कि मैंने कुछ कहा और उसे अच्छा न लगा। आई ट्राई टू माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड, तब मैंने कल्पना में, दिया ना, आई ट्राई टू माई इमेजिनेशन, यानी मैं अपने कल्पना में प्रयास किया टू राइट, लिखने का, इन ब्राइट लेटर्स, चमकीले अक्षरों को, आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड्स ओ गॉड। लेखक कह रहा है कि मैंने अपनी कल्पना में चमकीले अक्षरों में अपने लघु हृदय के बाहर ये शब्द हे भगवान लिखने का प्रयास किया।
देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाईं हाथ में कुछ पीड़ा हुई, कष्ट हुई। इट वॉज एज इफ अ थिक लिंडेड रॉड, मानो कि कोई मोटी शीशे की छड़। नो नहीं, ए रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, पिघली अग्नि की कोई छड़। वॉज स्लोली यानी धीरे धीरे, बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, लेकिन धीरे धीरे किंतु शक्तिशाली रूप से मेरी बाह को कुचल रही थी। लेखक कह रहा है, इट वॉज एट इफ अ थिक लिंडेड रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। लेखक कह रहा है, यह ऐसा था कि मानो कोई मोटी शीशे की छड़ नहीं पिघली, अग्नि की कोई छड़ धीरे धीरे शक्तिशाली रूप से मेरी बाह को कुचल रही थी। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, बाह की सारी शक्ति समाप्त होती प्रतीत हो रही थी, यानी निचुड़ती प्रतीत हो रही थी। वाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरा जैसे ही हिलते ही, मेरे जैसे ही हिलते ही सांप मुझ पर कस कर पकड़ लेता था, यानी जब मैं अपने आप को थोड़ा सा भी हिलता था तो वह सांप कस कर मुझे पकड़ लेता था। डेथ लर्कड 4 inches अवे, मृत्यु 4 inches की दूरी पर प्रतीक्षा में थी। डेथ लर्कड 4 inches अवे और मृत्यु 4 inches की दूरी पर प्रतीक्षा में थी। सपोज मानो या सोचो, इट स्ट्रक यदि वो प्रहार करता है, यदि वो आघात करता है। व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मेरे पास लाने के लिए कौन सी दवा थी, मेरे पास लाने के लिए कौन सी दवा थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में दवा थी ही नहीं। आई वॉज बट अ पुअर, मैं और कुछ नहीं बस बेबस था, बेचारा था। फुलिस एंड स्टूपिड डॉक्टर, मूर्ख और बुद्धहीन चिकित्सक था। लेखक कह रहा है, मैं बेचारा भी था, मूर्ख भी था और बुद्धहीन चिकित्सक भी था। आई फॉरगेट माई डेंजर, मैं अपना खतरा भूल गया। एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और बड़ी क्षीणता से स्वयं पर मुस्काया, और बड़ी क्षीणता से अपने ऊपर मुस्काया। इट सीम्स एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लगता था। अप्रिसिएटेड मीन्स होता है सराहना करना या प्रशंसा करना। इट सीम्स एज इट इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर ने उसकी सराहना की हो। द स्नेक टर्न इट्स हेड, सांप ने अपना सर घुमाया, इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसने शीशे में देखा। एंड सा इट रिफ्लेक्शन, और अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। और जैसे ही स्नेक ने अपने सर को मोड़ा और एक शीशे को देखा और शीशे के अंदर अपने प्रतिबिंब को देखा, आई डू नॉट क्लेम काम डैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक डैट हैड ईवर लुक्ड इन टू अ मिरर, मैं यह दावा नहीं करता है। दिया ना, आई डू नॉट क्लेम, मैं दावा नहीं करता डैट कि इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, यह पहला सांप था डैट हैड ईवर लुक्ड इन टू द मिरर, जिसने कभी दर्पण में देखा हो।
But it was certainly that the snake was looking into the mirror. लेकिन यह निश्चित था कि सांप दर्पण में देख रहा था. सांप दर्पण में देख रहा था. But it was certain that the snake was looking into the mirror. लेकिन यह निश्चित था कि सांप दर्पण में देख रहा था. Was it admire its own beauty? वह अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था. वह अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था. Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? लेखक कह रहा है, क्या वह महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रहा है या कर रहा था? दिया है, क्या वह मूंछ उगाने या आंख को सजाने और मस्कराया अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था? I did not know anything for certain. मुझे निश्चित रूप से कुछ पता नहीं था. What sex was this snake? इस सांप का लिंग क्या था? मुझे यह पता नहीं था कि उस सांप का लिंग क्या था. Was it male or female? क्या वह नर था या मादा था? I will never know. मैं कभी पता नहीं कर पाया. For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. क्योंकि सांप ने मेरी बांह से अपनी पकड़ छोड़ दी और धीरे धीरे मेरी गोद में फिसल गया. From there it crept into the table और वहाँ से वह मेज पर चला गया. And moved towards the mirror और उस दर्पण के ओर चल पड़ा. Perhaps शायद it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद यह और अधिक निकटता से अपने प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता था. I was no mere image cut in ग्रेटिनी. मैं अब ग्रेनाइट की प्रतिमा मात्र नहीं था. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. और मैं अनायास ही हाड़ मांस का व्यक्ति बन गया. स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ. अभी भी अपनी सांस रोके मैं कुर्सी पर बैठा रहा. आई लेप्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ. मैं चुपचाप दरवाजे से बाहर गया. वहाँ मैं आंगन में कूद गया. जितना मेरी क्षमता थी उतना तेज दौड़ गया. फ्यू ओह ईच ऑफ अस हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. हम में से प्रत्येक ने चैन की सांस ली. ऑल ऑफ अस लिट बीडीज. हम सब ने बीड़ी सुलगाई. समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट. किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी हैं? उसमें से किसी ने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट. क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? समवन एल्स आस्क्ड. किसी ने पूछा, डॉक्टर चिकित्सक साहब व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू. यानी जब आप भागे तो क्या सांप ने आपकी पीछा किया या आपके पीछे भागा? द डॉक्टर रिप्लाइड. चिकित्सक ने जवाब दिया,
आई रैन एंड रैन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस, कि मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने मित्र के घर नहीं पहुंच गया। इमेडिएटली यानी तुरंत आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड लुक अ बाथ, अब मैंने तुरंत ही अपने सारे शरीर को तेल से मला एंड टुक अ बाथ और स्नान किया। आई चेंज इंटू फ्रेश क्लोथ, मैंने नया कपड़ा चेंज किया या पहना या मैंने नया कपड़ा पहना। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग फ्रॉम देयर। यानी अगली सुबह लगभग 8:30 बजे मैंने अपने मित्र तथा 2 या 3 अन्य दूसरों को अपने कमरे पर अपनी चीज़ों को वहाँ से हटाने के लिए ले गया। बट वी फाइंड, लेकिन हमने पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि हमने जो कुछ भी नहीं था दिया ना, सम थीप हैड रिमूव मोस्ट ऑफ थिंग्स, कि चोरों ने मेरी अधिकतर चीज़ें को साफ कर लिए थे, यानी चोरों ने मेरी अधिकतर वस्तुओं को चुरा कर लेकर चले गए थे। द रूम हैड बीन क्लीन आउट, यानी कमरा साफ कर दिया गया था। बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में या वस्तुतः द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन चोरों ने अंतिम अपमान के रूप में एक चीज छोड़ दिया था। यानी चोरों ने अपने अंतिम अपमान के रूप में एक वस्तु को छोड़ दिया था। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, यानी मैंने पूछा, व्हाट वाज दैट, वह क्या चीज थी। द डॉक्टर सेड, उस चिकित्सक ने जवाब दिया, माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी बनियान गंदी वाली, यानी मेरी जो गंदी वाली बनियान थी चोरों ने उसे छोड़ दिया था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उस आदमी में स्वच्छता का ऐसा भाव था, उस आदमी में स्वच्छता का ऐसा भाव था, द रास्कल कुड हैव टेकन इट, वह दुष्ट इसे भी ले जा सकता था। रास्कल में होता है बदमाश या दुष्ट, लेखक कह रहा है कि वह दुष्ट इसे भी ले जा सकता था। एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, और इसे साबुन और पानी से धोकर प्रयोग में ला सकता था। यानी हमारी जो गंदी बनियान थी उसे वह चोर ले जा सकता था और साबुन और पानी से धुलकर उसे अपने प्रयोग में ला सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, चिकित्सक क्या आपने अगले दिन सांप को देखा या वह सांप दिखाई दिया। द डॉक्टर लाफ, वह चिकित्सक महोदय हंसे, आई एम नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसे तब से नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक, वह ऐसा सांप था, विच हैज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, जो अपने स्वयं के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। लेखक कह रहा है कि वह एक ऐसा सांप था जो अपने स्वयं के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। इसी पर यह कहानी समाप्त होती है। थैंक यू।